एक्सट्रीम रूल्स में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। रोमन रेंस और फिन बैलर के मेन इवेंट मैच में विनर कौन बनता है और सेथ रोलेंस क्यों जाने वाले हैं मंडे नाइट रो में, जानिए पूरी खबर। एक्सट्रीम रूल्स के मेन इवेंट में मैच है रोमन रेंस और डीमन फिन बैलर का। वैसे तो रोमन रेंस ने स्मैकडाउन में ही फिन बैलर को हरा दिया था, पर फिन बैलर इतनी आसानी से नहीं आ रहे थे और एक्सट्रीम रूल्स में वैसे भी रोमन रेंस का सामना फिन बैलर से नहीं बल्कि डीमन फिन बैलर से होगा। पर फिर भी एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं हारेंगे क्योंकि ब्रोक लेसनर करने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स में इंटरफेयर। जी हाँ, ब्रोक लेसनर करने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स के मेन इवेंट मैच में इंटरफेयर और फिर होगा क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस वर्सेस ब्रोक लेसनर का मैच और वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अगली खबर है सेथ रोलेंस की, क्योंकि सेथ रोलेंस जाने वाले हैं मंडे नाइट रो में। इस साल WWE ग्राफ्ट अक्टूबर के शुरुआत में होगा और बहुत तगड़े रूमर्स है कि सेथ रोलेंस जाने वाले हैं मंडे नाइट रो में। असल में सेथ रोलेंस स्मैकडाउन में इसलिए आए थे क्योंकि WWE रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलेंस का मैच कराना चाहती थी, पर ये मैच नहीं हो पाया। पर कुछ हफ्तों से सेथ रोलेंस के स्मैकडाउन में बेहतरीन मैच चल रहे हैं, जिसके कारण अगर सेथ रोलेंस इस बार ड्राफ्ट में मंडे नाइट रो में आ जाते हैं तो उनके मंडे नाइट रो में बेहतरीन मैचेस होंगे। कमेंट में बताइए क्या आप सेथ रोलेंस को मंडे नाइट रो में देखना चाहते हैं। WWE की सभी न्यूज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।